अपराधियों के पक्ष में हम समाजवादी लोग नहीं हैं, लेकिन अगर जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा, ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए सरकार बदलेगी फिर क्या होगा। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया, तो पुलिस माला लेके पहरावे की पुलिस गोली चलावे, जब वो उधर से चला रहा था इधर से गोली चली, तब उसमें जाति चीन करके तो गोली नहीं जाके लगी। सुल्तानपुर को दिन दहाड़े दहलाने वाली डकैती के एक आरोपी को यूपी पुलिस के एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मंगेश यादव को जब एसटीएफ ने घेरा तो उसने फायरिंग की। जवाबी एक्शन में मंगेश गंभीर रूप से जख्मी हुआ, बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। जौनपुर के रहने वाले मंगेश यादव पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब ये तस्वीरें देखिए, ये 28 अगस्त की है, जब सुल्तानपुर के व्यस्त ठठेरी बाजार में एक सर्राफा कारोबारी की दुकान में डकैती डाली गई थी। 5 अपराधियों ने तब तमंचे लहराकर यहां 1,40,00,000 रुपए की ज्वेलरी और कैश लूट लिया था। इस वारदात के 3 आरोपियों सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला को पुलिस ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तब एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किए जाने की बात कही थी, जबकि अब 4th आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। कहने को तो ये यूपी पुलिस का एक एनकाउंटर पर है, लेकिन अब इस पर सियासी एनकाउंटर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश के इस बयान पर आर पार की सियासी भिड़ंत शुरू हो गई। जाति समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं, हमारी सरकार ने जो लोग अपराधी हैं वो किसी जाति मत संप्रदाय के हों, उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अखिलेश ने पूरे एनकाउंटर पर और भी सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है, जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है, घोर निंदनीय। समाजवादी पार्टी के मुखिया के इस बयान पर बीजेपी विफल उठी तो इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश के साथ खड़े हो गए। जब आपको जानकारी थी कि हमारा बिरादर है उसको मार दिया जाएगा तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था। जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा के लोग ही ये सब कर सकते हैं। इसको पुरजोर तरीके से हम विरोध करेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री खुदा नहीं बन जाता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। ये अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है? ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर कहीं भी अपराध घटित हुआ है तो उस पर कठोरता से कार्रवाई होती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी की सियासत में किसी वारदात के आरोपी की जाति का मुद्दा उछला हो। लखनऊ में छेड़खानी के मामले में भी विधानसभा से सड़कों तक जाति का सवाल सुर्खियों में रहा था। सूची भी मेरे पास आई है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव, ये बेचारा चाय पी रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।